बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं दो ऐसे दोस्तों की जो एक क्लब में बैठे हैं और उनके साथ और भी दोस्त आके ज्वाइन कर लेते हैं उनको, और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या ज़िंदगी में इरादा कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है या कि अपॉर्चुनिटी यानी मौका ज़रूरी होता है। यानी दिस स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, ये स्टोरी है जी अज़म, इरादा, हिम्मत, हौसला और मौका, या किसी चांस की तलाश में, किसी मौके की तलाश में इंसान हो तो उसको फिर तरक्की मिलती है और कामयाबी मिलती है, ये इसके बारे में। टर्बट और जॉर्कन दो दोस्त हैं, दोनों आपस में बैठे गप कर रहे हैं और उस गप में जॉर्कन का ये ख्याल है कि कामयाबी के लिए मौका ज़रूरी है, रॉबर्ट का ये ख्याल है नहीं, डिटर्मिनेशन जो है, इरादा जो है वो ज़रूरी है कामयाबी हासिल करने के लिए। इसी बहस में दूसरे दोस्त भी आते हैं, गपशप लंबी हो जाती है और इसी दौरान जो है टर्बट जो है वो जॉर्कन से कहता है कि यार तुम मुझे कोई ऐसी मिसाल बता सकते हो। उसने कहा बहुत सी मिसालें ऐसी हैं, अगर इंसान चाहे तो इंसान रेगिस्तान में बर्फ़ का पहाड़ बना के उसके ऊपर स्केटिंग गेम है एक, वो स्केटिंग यानी उसके ऊपर टायर लगा के पाँव के नीचे भाग के नीचे आना होता है, स्लिपरी होती है वो, उसके अंदर स्केटिंग गेम उसको कहते हैं। तो अगर वो रेगिस्तान के अंदर वो बर्फ का पहाड़ बना के भी उसके ऊपर कंपटीशन करवाना चाहे स्केटिंग का तो करवा सकता है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ अ मैन हैज अ डिटर्मिनेशन। लेकिन रॉबर्ट जो दूसरा उसका साथी है टर्बट का जॉर्कन, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको कोई मसाल दे, वो कहता ठीक है जी मैं तुम्हें एक मसाल दे देता हूँ। तो फिर जो आगे जॉर्कन है वो अपने दोस्त को ये एक स्टोरी सुना रहा है अज़्म व हिम्मत की और मौके के हवाले से, जो इनकी दोनों की आपस की दोस्तों में डिस्कशन चल रही थी उसके हवाले से। उसे कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो जिसका नाम जॉर्जियस था और उसके दिल में ये बात खन गई कि मैं जो है वो बादशाह के दरबार में जो शोभदाबाज होता है, बाजीगर होता है या ट्रिक्स दिखाने वाला होता है, काफ़ी नाम है इसके, उसकी पोस्ट क्रिएट करूँगा और वहाँ जाके अपने आप को अपॉइंट करूँगा। उसके माँ बाप ने कहा कि हम गरीब हैं, हमारे पास इतने वसाइल कहाँ, हम तो बादशाह को देख नहीं सकते, उसके महल तक कैसे पहुँचेंगे। खैर उसने ठान ली, माँ बाप से फैसला कर लिया कि जी मैं ये करके दिखाऊंगा। ज़िंदगी के काफ़ी साल गुजरते गए, उसने आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन वो सियासत में आया, सियासत से फिर उसने आगे चलना सिलसिला शुरू किया। सियासत के अंदर उसने अपनी फेम हासिल की, शोहरत हासिल की, इख्तियारात हासिल किए, बहुत अच्छी तकरीरें की, लोगों को बताया इसके बारे में, खैर एक प्रोमिनेंट शख्सियत वो बन गया। सियासी सर्कल से उसकी जो थी बादशाही महल की ज़िंदगी, उसके अंदर भी उसके लिंक्स डेवलप हो गए। तो आखिरकार हुआ क्या कि उसने वंस अपॉन अ टाइम बादशाह के सामने इस बात का इजहार किया कि हमें अपने सिपाहियों को चुस्त व चलाक करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, यानी उसमें जिससे हमारे सिपाही जो हैं वो दुनिया के मजीद इलाकों को भी फतह करें और बादशाह सलामत आपकी सल्तनत में इजाफा हो। खैर बादशाह ने कहा ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, उसने जी शोभदाबाजी जो है ना जी, बाजीगरी जो है यानी जो जिमनास्टिक है उसके हवाले से हमें जो है ना कुछ करना चाहिए। तो उसने कहा जी कैसे करना चाहिए, उसके जी मैं हाज़िर हूँ इसके लिए। तो उसने अपने आप को उसके लिए हाज़िर किया, तो बादशाह ने उसका सारा इंतज़ाम कर दिया, बहुत बड़ा हॉल उसको दे दिया कि ठीक है तुम यहाँ जिमनास्टिक करवाओ। जिमनास्टिक का काम उसने शुरू करवा दिया और जब वो उसके लिए अपॉइंट हुआ तो अपॉइंट होने के बाद अब उस जगह की इनॉग्रेशन यानी इफ्तिताह होना था, तो बादशाह के सारे ख़ानदान के लोग वहाँ आए, जॉर्जियस भी वहाँ आया और जॉर्जियस ने वहाँ इफ्तिताह के तौर पर जब वो निकला तो शाही ख़ानदान की मुस्कुराहटें, शाही ख़ानदान की क्लैपिंग, तवज्जा का मरकज़ जॉर्जियस था। खैर खूब उसका मतलब पुरतपाक जिसे कहते हैं उसका इस्तकबाल किया गया। तो चंद ट्रिक्स उसने करके दिखाए, जॉर्जियस ने उस मौके के ऊपर रस्सी को पकड़ के ऊपर गया, रस्सी को पकड़ के नीचे आया, रस्सी के साथ खुद को लपेट के तो ज़मीन पर उसने आके अपने आप को अपनी नाक लगाई या पेशानी लगाई, ये ट्रिक्स उसने कुछ करके दिखाए। अच्छा इस टोटल सेरेमनी के बाद क्या हुआ कि जो जॉर्जियस था वो अपने बचपन में रेस भी जीत चुका था, यानी फतह का नशा, फतह का जायका उसने चख लिया हुआ था। खैर फिर चल के उसने क्या किया कि जब उसने सारा ये इफ्तिताह की सेरेमनी से फारिग हो गया तो उसके बाद उसने अपनी झुकी हुई कमर के साथ उसके जहन में एक बात आई कि वो बड़ा मुस्कुराया इस बात पे कि उसकी ज़िंदगी का जो एम था वो उसने हासिल कर लिया बिलाखिर। लेकिन उसको थोड़ा सा अफसोस ये भी हुआ कि वो इस काबिल नहीं है कि ये तमाम ट्रिक्स जो हैं वो प्रॉपरली अब वो ट्रेनिंग दे सकता है, यानी टीचर बनकर उनको ट्रेनिंग दे सकता है।
तो वो इस चीज पे बड़ा खुश हुआ। अच्छा अब बात यहाँ से लेके आते हैं फिर जॉर्कन और टर्बट के ऊपर। टर्बट और जॉर्कन के दरमियान फिर अजीब सी सिचुएशन आ गई। तो टर्बट ने कहा कि यार देखो हाँ ठीक है ऐसा भी होता होगा, तो उसका डिटर्मिनेशन था, उसने उसको जीत दिया। अब टर्बट को ये याद आया कि मैं भी तो अपने बचपन में इस तरह से जवानी में भी बहुत से एम्स ऐसे थे जिसको छोड़ आया था, रास्ते में रुक गया था, जो दौड़ शुरू की थी उसमें खुद ही रास्ते में रुक गया था, उसको वो ये चीज़ याद आती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो माई डियर नाउ यू कैन सी दैट द नेम ऑफ द स्टोरी इज द रिवॉर्ड। ये फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सब्जेक्ट में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में ये शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 है, परहैप्स 4 और 5 है, 5 है आई थिंक। और इस स्टोरी में हमें बताया गया कि डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये इसका मेन एक लेसन है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है फिर किसी नई वीडियो में विद यू। सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर भी करें, और ताकि नोटिफिकेशन